मंदसौर में कुमावत समाज द्वारा राम जन्म उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नरसिंहपुरा राम जानकी मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस समापन नरसिंहपुरा राम जानकी मंदिर पर हुआ। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कुमावत समाज के तत्वाधान में भव्य चल समारोह निकाला जा रहा है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी चल समारोह में शामिल हुए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि मंदसौर नरसिंहपुरा के बड़े मंदिर राम मंदिर से चल समारोह की शुरुआत हुई। कुमावत समाज के क्षत्रिय मेवाड़ा के नेतृत्व में श्री राम का चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस नरसिंहपुरा राम मंदिर पहुंचेगा, जिसमें शहर के मुख्य चौराहों पर श्री राम की सवारी का जगह जगह फूलों की वर्षा की गई और आतिशबाजी की गई। कुमावत समाज द्वारा कई वर्षों पूर्व इसकी शुरुआत की गई थी और यह परंपरा आज भी सुचारू रूप से जारी है और लोगों की आस्था बन गई है। चल समारोह ठीक समय पर निकला। ठीक 12 बजे मंदिर पर पूजा पाठ हुई, आराधना हुई, पूजा अर्चना हुई। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि समाज के उन रचिताओं ने जिन्होंने अनुशासनात्मक रूप से बड़ी संख्या में मातृशक्ति दी है, बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग भी हैं, ये त्रिवेदी हैं और सबको लेकर अपने निर्धारित मार्ग से निकलकर श्रद्धा को प्रकट करने का प्लेटफॉर्म है। और मुझे भी प्रसन्नता है कि मंदसौर के विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर कुमावत समाज द्वारा चल समारोह निकाला जा रहा है, जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। समाज वालों ने जन्मोत्सव राम जन्मोत्सव मनाया है, हम सभी धूप में आए हैं और हमें सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 ज़्यादा है। हाँ, सभी महिला हैं, सभी पूरे समाज वाले हैं इसके साथ। रामनवमी जन्मोत्सव के अनुसार हर वर्ष कुमार समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, वाहन रैली निकाली जाती है और भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है कुमावत समाज की ओर से, और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। किन किन मार्गों से निकाली जाएगी? हम नरसिंहपुरा से राम टेकरी होते हुए महाराणा प्रताप चौराया, बीपीएल चौराया होते हुए गांधी चौराया, पुराना बस स्टैंड, बालाजी मंदिर, घंटाघर होते हुए नरसिंहपुरा वापस पहुँचे द्वारा एक भव्य विशाल शोभा यात्रा कुमावत समाज मंदसौर के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में भाई बहन माताएं बहनें शामिल है जो पीछे पीछे कलश लेकर के चल रही है। और इस जुलूस के बाद ठीक 12 बजे नरसिंहपुरा श्री राम जानकी मंदिर पर आरती होगी और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन कुमार समाज का नरसिंहपुरा धर्मशाला में रखा गया है। किन मार्गों से निकाली जाए? अभी जो है राम टेकरी, नरसिंहपुरा से राम टेकरी आए हैं, उसके बाद राम टेकरी चौराया, महाराणा प्रताप चौराया, बीपीएल चौराया, गांधी चौराया, बस स्टैंड, घंटाघर, नयापुरा होकर के वापस घुमाओ धर्मशाला नरसिंहपुरा पर समाप्त होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिवस का प्रसंग हो और मंदसौर की सड़कों पर नरसिंहपुरा के बड़े मंदिर राम मंदिर से अगर सामाजिक चेतना को जागृत करते हुए कुमावत समाज का जो क्षत्रिय मेवाड़ा समाज है उसके नेतृत्व में अगर जुलूस ना निकले तो आनंद नहीं आता है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में समाज के उन पुरोधाओं ने जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये परंपरा बन गई है, ये आस्था बन गई है, निष्ठा बन गई है। और मंदसौर के प्रमुख मार्गों से निकलता हुआ ठीक समय पर अगर 12 बजे नरसिंहपुरा में मंदिर पर, राम मंदिर पर आराधना होगी, पूजा अर्चना होगी और आरती होगी तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि समाज के उन रचयिताओं ने जिन्होंने अनुशासनात्मक रूप से बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी है, बड़ी संख्या में युवा भी है और बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी है, ये त्रिवेणी है और सबको लेकर के अपने निर्धारित मार्ग से निकल करके पूरे शहर में वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, श्रद्धा को प्रकटीकरण करने का एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे भी प्रसन्नता है कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर कुमाऊं समाज के द्वारा ये जो चल समारोह निकलता है, जगह जगह पर तखट लगा करके और पुष्प की वर्षा की जाती है, प्रभु राम का चित्र से सजी और संतों से सजी बग्घियों में विभिन्न प्रकार की आयोजना को सुनिश्चित किया जाता है। मैं पूरे समाज का अभिनंदन करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।